सिद्धार्थनगर जिले में बिजली कटौती से लोगों में काफी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के बाद बिजली कटौती से लगभग पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ है। इस कड़ी में आज जिला मुख्यालय के सटे मधुकरपुर के लोगों ने NH-28 पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। बिजली व्यवस्था को बहाल करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है पिछले 3 दिन से बिजली नहीं मिल रही, उनके सब्र का बांध टूट गया है तो उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। उनके सामने काफी परेशानियां हैं, रात रात भर उन्हें जागना पड़ रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय प्रशासन ने उन्हें मनाने की कोशिश की। SDM ने पहुंच के घंटे बाद काफी मिन्नतें की तब जाकर लोग माने। उसके बाद NH-28 पर आगमन सुचारू रूप से प्रारंभ हो सका। SDM ललित कुमार मिश्रा से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने जनता को मना लिया। उनका पूरा प्रयास है कि बिजली व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, इसके लिए नए लोगों की वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की जा रही है। वंदे भारत के लिए नगर से विकास कुमार की रिपोर्ट। लोग जाम लगाए हैं, कितनी दिक्कत है इनको? घंटों जाम, मैं मान सकता हूँ इनको दिक्कत हो रही है और पूरा प्रशासन लगा है जितनी जल्दी विद्युत आपूर्ति बहाल हो जाए। इसके संदर्भ में हमारी टीमें बनी है, हर जगह प्रयास किया जा रहा है। कल रात 1 बजे उसका की बिजली आपूर्ति बहाल की गई है और जोगिया 4-5 फीडरों में 4 फीडरों को तुरंत बहाल कर दिया गया। हमारी टीम जहां भी सूचना मिलती है, जहां भी दिक्कत होती है, प्रयास कर रहे हैं। इस ये फीडर के लिए भी हम लोग अपनी टीम लगा दिए हैं। जितनी जल्दी से जल्दी होगी आपको विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी। आम जनमानस का आम जीवन सुखद और सरल होगा। नहीं सर, एक बात आती है जो बिजली कर्मचारी हैं पूरी तरह से मनमानी। हाँ, बिजली कर्मचारी जो हड़ताल है, अगर वो संविदा करें उनको विधिक कार्रवाई एस्मा के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। हम लोग उनको भी नोटिस कर रहे हैं। सर, विद्युत कर्मियों ने पहले चेतावनी दी थी, इतना समय बीत गया उसके बाद भी प्रशासन इसमें एकदम मुस्तैद है। हम लोग रात दिन हमारी पूरी टीम चल रही है। जिन जिन कर्मी ने हड़ताल पे उनके सब्स्टिट्यूट में हमने ITI कॉलेज से भी बच्चों को उनकी ड्यूटी स्थलों पे लगा दिया है। सतत मॉनिटरिंग हो रही है, जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल होगी। सर, शहरों का ये हाल है, शहरों में लाइट नहीं है, गांव में तो इससे गांव में भी हम लोग, हमारे लिए गांव शहर सभी बराबर हैं, सबके लिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगा भरसक और सार्थक प्रयास किया जा रहा है। गांव में भी ना धरना देने की, नहीं कोई कहीं धरना नहीं होने पाए, जितनी जल्दी होगी विद्युत आपूर्ति बहाल।